अव्यय के विषय में। अव्यय जिनके बारे में आप अपनी पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। अव्यय वो शब्द जिनमें लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं और इनका प्रयोग आपने अभी पिछली कक्षाओं में किया था। आइए पहले देखते हैं थोड़े से जो शब्द आप पढ़ चुके थे अव्यय शब्द, उनके हिंदी अनुवाद के विषय में। च जिसका अर्थ है और, अभी, भी, तदा, तब, अधुना, अब, यत, जहां, न, नहीं, कदा। कदा का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में किया जाता है। कदा यानी कब, अधः नीचे, कदापि कभी भी, किमर्थम इसका प्रयोग भी प्रश्नवाचक वाक्यों में ही किया जाता है। किमर्थम यानी किस लिए, सर्वत्र सब जगह, आ हाँ। पिछले पढ़ाई में कुछ शब्द हमने याद किए जिससे हमें अव्यय शब्दों के बारे में पता चला। ये पता चला कि अव्यय हमेशा पद होते हैं, कभी भी शब्द नहीं कहलाते। इनमें लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके कोई रूप नहीं चलते। वह रूप जो शब्द रूप कहलाते हैं या धातु रूप कहलाते हैं, उनके किसी भी प्रकार के कोई रूप नहीं चलते। इनका प्रयोग वाक्यों के अनुसार होता है और ये इसी प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। आइए अब अभ्यास के तौर पर हम देखते हैं कुछ वाक्य, इनको अव्यय पदों के अनुसार हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। सा डैश गच्छति और इसके पीछे है एक प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि यहाँ पर जो भी पद आएगा वह प्रश्नवाची ही होगा। हमें मनुषा दी गई है, मनुषा में हमें जो शब्द दिए गए हैं, जो अव्यय पद दिए गए हैं, वह है च, न, ए, अपि, ही, तू, तदा, कदा, यदा, अधुना। अब इन सभी पदों में हमारे समक्ष है कदा, जो कि प्रश्नवाचक है। सा कदा गच्छति, डैश सा खादति, तदा सः पिबति। जब यहाँ पर कदा का प्रयोग किया गया है तो तदा के साथ यदा का ही प्रयोग होता है। यदि यदा आ गया है तो बाद में तदा आएगा और यदि तदा का प्रयोग है तो उससे पहले यदा का प्रयोग होगा। यदा सा खादति, तदा सा पिबति। डैश सा पत्ति, अधुना सा उठति, गजा डैश खादति पिबति न, गजा तू खादति पिबति न। यदा बालकः अस्ति, डैश जनकः अस्ति। अभी हमने इस वाक्य में किया था जब यदा है तो उसके साथ तदा का प्रयोग होगा। अब यहाँ यदा दे रखा है तो यहाँ पर क्या लगना है, तदा। यदा बालकः अस्ति, तदा जनकः अस्ति। लता डैश नवति वृक्षः न, लता एव नवति वृक्षः न। रमा डैश फलं खादति, रमा अपि फलं खादति। रामः सीता डैश गच्छतः। जब दो लोगों का एक साथ नाम प्रयोग किया जा रहा है तो उसके बीच में हम और शब्द का प्रयोग करते हैं अपनी हिंदी भाषा।
अच्छा इस प्रकार आज हमने सीखा अव्यय पद कौन कौन से हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार से हम अपने वाक्यों में करते हैं।